जब कोई चला जाता है ना, तो वो चला गया, उसको रोकने का या उसको वापस बुलाने का कोई फायदा नहीं। वो चला गया मतलब उसके लिए तुम्हारी वैल्यू नहीं रही, या उसे कोई और वैल्यूबल मिल गया। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है ना, कि अब उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं। और बिना ज़रूरत के किसी की ज़रूरत बनना फालतू है उसके लिए। इसीलिए रोको मत, जाने दो, क्योंकि उसमें अब तुम नहीं कोई और है। रोक भी लिया क्या फायदा जब उसमें कोई और है। कभी कभी हम सही को भी गलत समझते हैं, और कभी कभी जो गलत होता है उसको अपने हिसाब से सही। और रिलेशनशिप्स में तो अक्सर यही होता है, अपने आप को ही सच से दूर रखते हैं ताकि रिलेशनशिप थोड़ा और चल जाए। लेकिन वही टाइम तुम्हें सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, जब तुम्हें रुकना होता है लेकिन रुकते नहीं। किसी चीज़ को जितना उलझाओगे ना, उतना ही उलझते जाओगे। रास्ते होते हैं, मंजिलें भी होती हैं, लेकिन बस दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। हाँ, मानता हूँ एक ऐसे इंसान को छोड़ना जिसके साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताया हो, जिससे तुमने प्यार किया हो, आसान नहीं होता। ऐसे इंसान के लिए जिसकी मंजिलें तुमसे अलग हैं, जिसके रास्ते अब तुमसे अलग हैं, जो तुम्हारी तरह किसी और से प्यार करता है, उसके लिए भी तो आसान नहीं है ना। हाँ, उसने तुमसे वादे किए थे, है ना, याद होंगे तुम्हें, सपने दिखाए तुम्हें और हकीकत किसी और को बना लिया। किराए पर रहे तुम्हारे साथ और अपना घर कहीं और बना लिया। इतना मत सोचो, बस एक बात जान लो, वो चला गया। और जो चला जाता है ना, उसको रोकने का या उसको वापस बुलाने का कोई फायदा नहीं। जिंदगी किसी के आने से या किसी के चले जाने से नहीं रुकती, लेकिन तुम्हारे चले जाने से जरूर रुक जाती है। इसलिए अपने लिए जियो, जो तुम्हारे लिए जीते हैं ना, उनके लिए जियो, क्योंकि ये वक्त कभी ठहरता नहीं। ठहरती हैं तो बस यादें।